Good morning, welcome you all. My YouTube channel Rav C Forum. This is my channel name, and you can subscribe for the more updates and concepts related to the various subjects of the civil engineering. I have already covered the plastic analysis topic of the steel structure, So, ye kiske liye apply hota hai? This is apply for what? This is apply for the ductile material. And friends, I have already covered the some important topic, shape factor. It does depend upon the shape factor, means shape. Depending on shape, it can have the several values. Means for rectangular portion, how much, for rectangular cross section, how much value of the shape factor is 1.5, for circular 1.7, for diamond section 2.0. This is the value, and I have already covered that. So friends, आप जो कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कि प्लास्टिक हिंज कहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है, और हम लोग कोलैप्स लोड कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्लास्टिक हिंज, और कौन कौन सी थ्योरम अप्लाई करके हम लोग प्लास्टिक मोमेंट और कोलैप्स लोड निकालते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे. तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि प्लास्टिक मोमेंट इज द मैक्सिमम मोमेंट, ठीक है, इलास्टिक आप जो भी है वर्किंग मोमेंट से अधिक आपका इल्ड मोमेंट से अधिक आपका क्या चीज़ प्लास्टिक मोमेंट, ठीक है फ्रेंड्स. तो आइए हम बात करते हैं कि प्लास्टिक हिंज कहाँ कहाँ फॉर्म्स होती हैं. तो प्लास्टिक हिंज, यहाँ लिखिए प्लास्टिक हिंज लोकेशन, ठीक है. तो एक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं सिंपल सा, उसके बारे उसके हम उसमें हम समझ जाएंगे अच्छे से कि प्लास्टिक हिंज कहाँ कहाँ फॉर्म्स होती हैं. देखिए दिस इज लोकेशन, दिस इज स्ट्रक्चर, ओके फ्रेंड्स, दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर, यही ध्यान रखेगा. तो प्लास्टिक हिंज यानी वेयर द लोकेशन दैट प्लास्टिक हिंज फॉर्म्स. तो फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखिए कि एट द चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है वहाँ प्लास्टिक हिंज फॉर्म बनेंगे. मीन दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन, ओके फ्रेंड्स. और जहाँ पे जॉइंट, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कि प्लास्टिक हिंज कहाँ कहाँ फॉर्म्स होती है, लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है. तो लोकेशन का पहला जो पॉइंट है कि जहाँ पे चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है वहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट कहाँ पे फॉर्म होगा, नेक्स्ट फॉर्म होगा कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, जिस एरिया में बेंडिंग मोमेंट केवल मैक्सिमम होगी वहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा. बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, वेयर द बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम दैट पॉइंट्स द प्लास्टिक हिंज फॉर्म, ओके फ्रेंड्स. नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड कहाँ फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा कि जो जॉइंट है, जहाँ पे जॉइंट है, जो भी जॉइंट है वहाँ पे फॉर्म करेगा. देखिए जहाँ पे जॉइंट है, नंबर ऑफ जॉइंट, मतलब जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे फॉर्म करेगा, ठीक है, एट द जॉइंट. और या फिर सपोर्ट बोल लीजिए, और सपोर्ट क्या होना चाहिए ये भी ध्यान रखना है कि सपोर्ट जो है कि फिक्स्ड होना चाहिए, फिक्स्ड सपोर्ट, यानी कि रोलर पे हिंज फॉर्म नहीं, रोलर पे हिंज में नहीं फॉर्म होगा, ठीक है फ्रेंड, वहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा. अब जहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होते हैं वहीं पे प्लास्टिक मोमेंट की वैल्यू आती है, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है, देखिए यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, दिस इज नहीं होगा, ठीक है. एक और लीजिए, एक बीम बना लीजिए, टिपिकल बीम, दिस इज कैंटिलर बीम एंड दिस इज अ फिक्स्ड सपोर्ट, दिस इज फिक्स सपोर्ट, एंड वेयर द प्लास्टिक हिंज विल फॉर्म, फ्रेंड्स हियर द प्लास्टिक हिंज विल फॉर्म, मीन्स वन प्लास्टिक हिंज एंड दिस इज प्लास्टिक हिंज, नो, अगर इफ द लोड इज एक्टिंग लाइक दैट द फ्रेन दैट विल नॉट बी फॉर्म एट अ फ्रेन, मीन्स एट फ्री पे, फ्री इंड पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म नहीं होता है, प्लास्टिक हिंज फॉर्म नहीं होता है, ओके फ्रेंड्स. बस इतना समझ लीजिए कि प्लास्टिक हिंज जो है वो चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अंडर द लोड, रिजिड जॉइंट, फिक्स सपोर्ट, और इस जगह पे हम लोग फॉर्म करता है. तो यहाँ पे रिजिड जॉइंट हो गया, फिक्स सपोर्ट हो गया,
एक और पॉइंट लिख लीजिए, अंडर द लोड हो गया, अंडर द लोड, ठीक है, अंडर द लोड। तो ये तीन चार पॉइंट्स हैं जहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ ध्यान रखिएगा। तो प्लास्टिक हिंज फॉर्म होता है तो हम इसका एनालिसिस कैसे करते हैं, कभी आता है प्लास्टिक हिंज कितने बने, अगर यही क्वेश्चन दे दिया आपसे कि यहाँ पे ऐसे कर दे, यहाँ पे एक फिक्स्ड बीम बना दे, दोनों तरफ फिक्स कर दे, यहाँ पे कोई लोड अप्लाई कर दे, ठीक है, तो वहाँ कितने प्लास्टिक हिंज फॉर्म होंगे बताइए। प्लास्टिक हिंज यहाँ पे एक यहाँ फॉर्म होगा, एक यहाँ फॉर्म होगा, और आपका एक यहाँ फॉर्म होगा, यानी तीन जो है कि प्लास्टिक हिंज फॉर्म होंगे। एंड नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंज कितना हो जाएगा, पीएच की वैल्यू 3 हो जाएगा, यानी प्लास्टिक हिंज, ठीक है, इसके बारे में बिल्कुल आप श्योर हो जाइए। आइए बात करते हैं कि हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं कोलैप्स लोड निकालने में, ठीक है, तो कोलैप्स लोड निकालने में हम कैसे एनालिसिस करते हैं, यहाँ लिख देते हैं हाउ टू फाइंड कोलैप्स लोड। फ्रेंड जस्ट आई विल चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द पेपर, हाउ टू फाइंड कोलैप्स लोड। और ये जानने से पहले हम लोग थोड़ा सी ये बात करेंगे, थ्योरम के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी थ्योरम अप्लाई करती है, एक होती है फ्रेंड अपर बाउंड थ्योरम, एक होती है लोअर बाउंड थ्योरम, ठीक है, तो ध्यान रखिए, ठीक है, पहला बता दिया आपको कि अपर बाउंड थ्योरम और सेकेंड क्या है लोअर बाउंड थ्योरम, ठीक है, लोअर बाउंड थ्योरम। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा सी के बारे में एकदम बिल्कुल आप इस नाम से क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर लेंगे। जो अपर बाउंड थ्योरम है इसमें देखिए, इसमें जो आप एक ही ध्यान रखिएगा कि जो मैक्सिमम मोमेंट जो प्लास्टिक मोमेंट होता है वो हमेशा लेस देन आर इक्वल टू होगा इल्ड मोमेंट की, हमेशा जो वर्किंग मोमेंट है इल्ड मोमेंट से कम ही होता है दोनों ही केस में, ठीक है, दोनों ही केस में, इस वाले केस में भी कम होगा, इस वाले केस में भी कम होगा। सेकेंड बात आती है लोड की, बात कर लेते हैं जो कोलैप्स लोड है, तो अपर बाउंड में जो कोलैप्स लोड आएगा, यानी जो मैक्सिमम लोड कोलैप्स लोड होता है, तो यहाँ पर जो लोड की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा कोलैप्स लोड, और यहाँ पे जो लोअर होगा लेस देन कोलैप्स लोड। ये इसी पॉइंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो ये तीन केसेस हैं, मतलब दो पॉइंट्स हैं, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि अपर बाउंड में क्या होता है और लोअर बाउंड थ्योरम में क्या होता है, ठीक है। हाँ, एक अपर बाउंड का एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक थ्योरम, ठीक है, काइनेमेटिक मेथड बोलते हैं इसको, काइनेमेटिक, ठीक है, काइनेमेटिक, और इसको बोलते हैं स्टैटिक। तो काइनेमेटिक और स्टैटिक दो मेथड्स होते हैं, जिस मेथड की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि जो कोलैप्स लोड की वैल्यू क्या होगी और जो कि प्लास्टिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द फाइंडिंग वैल्यू ऑफ द कोलैप्स लोड WC, ठीक है। तो हम बात करते हैं, ठीक है, मेथड्स के बारे में कि कौन सी कैसे हम लोग करेंगे। देखिए तो जो एनालिसिस है, कुछ कंसेप्ट बात देख लेते, जो एनालिसिस क्या होगा, एक चीज़ ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा, एनालिसिस में क्या लेते हैं, हम जानते हैं कि जो इक्विलिब्रियम जो कंडीशन होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है फ्रेंड, जान के किसी भी स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम तभी अप्लाई होगा जब एक्सटर्नल मोमेंट, जितने भी मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहे हैं वो क्या हो, बराबर हो, यानी कि एफ एक्सटर्नल जितने फोर्सेज अगर उसका हम बात करें, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ इंटरनल, ओके, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो भी लग रहे हैं और उस स्ट्रक्चर में जो रोटेशन, और टर्म क्या देखेंगे ये होता है। सेकेंड ये देख लेते हैं कि जो टोटल वर्क डन होता है किसी फोर्स में, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में जो टोटल वर्क डन है, ये चीज़ ध्यान रखिए, तो टोटल वर्क डन है, ठीक है, वो जीरो होना चाहिए हमेशा, यानी वर्क डन दो टाइप हो सकते हैं, यानी कि इंटरनल वर्क डन और एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन, दोनों का समीकरण क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये दोनों का समीकरण, यही एक मेन कंसेप्ट फ्रेंड, इसको हम जानेंगे और हम लोग इसी एनालिसिस करके हम लोग निकालते हैं कि कोलैप्स लोड की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा देख लेते हैं, अब बिल्कुल आप डोंट बी इन हरी, बिल्कुल आप सिंपल से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कैसे निकालते हैं, अब देखिए कैसे निकालते हैं। जो ये इंटरनल वर्क डन होता है, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इंटरनल वर्क डन क्या है और एक्सटर्नल वर्क डन कौन है सर, ठीक है। देखिए एक्सटर्नल आप सिंपल जानते हैं कि एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है, इसमें जो भी लोड है या फोर्स है,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अंडर लोड, क्या सर, डिस्प्लेसमेंट अंडर लोड, ठीक है, ये होता है। और जो इंटरनल भाई सिंपल भाई, उसमें रोटेशन का रोल होगा। इसमें क्या होता है, इसमें मोमेंट हम ले लेते हैं और इनटू हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, रोटेशन का। तो ये दो पॉइंट्स से की पॉइंट्स को आपको याद करना है, मतलब कंसेप्ट समझ ही लेना है कि क्या होता है इसमें, ये दो पॉइंट्स जो कि एक्सटर्नल मोमेंटम कैसे निकालेंगे और इंटरनल, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जो इंटरनल वर्क डन होता है ना वो निगेटिव होता है, क्या था हम लोग ये मान के चलेंगे, कंसिडर करेंगे ऑलवेज निगेटिव। तो ये यही हो जाएगा, देखिए माइनस इंटरनल वर्क डन हो जाएगा प्लस एक्सटर्नल बराबर जीरो, यानी डब्ल्यू इंटरनल इक्वल टू क्या होता है बताइए, डब्ल्यू एक्सटर्नल, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दोनों को हम लोग बराबर, देखिए ध्यान रखिए, एक्सटर्नल मोमेंट हम क्या बोलें, एक्सटर्नल इक्वल टू इंटरनल मोमेंट, ठीक है, ये हम बताएं आपको कॉन्सेप्ट। तो जो इंटरनल वर्क है एक्सटर्नल वर्क है, ठीक है, कैसे निकालते हैं ध्यान रखिएगा, कुछ नोटिस हम कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको निकालते हो मालूम चलेगा, ठीक है, मिस्टेक हो सकता है। देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट ही है फ्रेंड्स, पॉइंट ये है, देखिए ध्यान रखिए, पॉइंट ये है कि जो प्लास्टिक मोमेंट है, ठीक है, प्लास्टिक मोमेंट है वो स्लोप को जीरो करेगा, सिंपल बात है। ये कोई मोमेंट है, सिंपल ये ध्यान रखिएगा कि मोमेंट का डायरेक्शन कैसे हम फिक्स करते हैं। ये देखिए अगर यहाँ पे कोई अगर फिक्स अगर ये सपोर्ट है और सिंपल डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होंगे, ऐसे कोई रोटेशन करेगा, यहाँ पर ऐसे रोटेशन होगा, यहाँ पर ऐसे रोटेशन होगा, ये रोटेशन हो रहा है, डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा। तो मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, देखिए ऐसे होगा, ऐसे होगा मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे होगा मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे होगा। जस्ट मतलब ये मतलब लिखे यहाँ लिख लीजिए सिंपल, मोमेंट क्या है, डायरेक्शन कैसे फिक्स करते हैं, मोमेंट मैक स्लोप जीरो, ये चीज़ ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि मोमेंट हमेशा कैसे लगता है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, कि वो हमेशा स्लोप को जीरो करेगा। अगर अगर आपको स्लोप ऐसे रोटेशन ऐसे हो रहा है तो ऐसे करेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, हमेशा रिवर्स होता है, ठीक है, ध्यान के। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जो प्लास्टिक मोमेंट है वही सेम करेगा कि जब जो प्लास्टिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा रिवर्स होगा, ऐसे होगा रिवर्स होगा, जिससे भी रहेगा जिधर अप्लाई कर रहा है वैसे रिवर्स होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट का ध्यान देना आपको, सेकेंड ध्यान देना है कि जो वर्क डन है हो रहा है, ठीक है, वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और लोड अगर दोनों के डायरेक्शन सेम है, यानी लोड की और आपका डिस्प्लेसमेंट की अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम लोग उसको पॉजिटिव मानेंगे। तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क क्या होगा, वर्क हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये चीज़ मानेगा। और यदि लोड की डायरेक्शन और आपका सॉरी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर दोनों का रिवर्स हो रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है, और यहाँ पे अगर अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है दोनों का, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या होगा, वो होगा निगेटिव, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये जो पॉइंट है वो फिक्स कर लीजिए कि हमेशा हम लोगों को कैसे एज्यूम करना है कि जो अगर लोड और डिस्प्लेसमेंट की अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है तो वर्क डन निगेटिव होगा, और यदि एक ही डायरेक्शन में हो तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हम आते हैं कैसे हम फाइंड करते हैं, एक एक पॉइंट और है फ्रेंड्स कि याद रखिए जो आपका जो वर्चुअल वर्क डन होता है, ठीक है, वर्चुअल वर्क होता है वो जो है कि क्या उसका प्रिंसिपल्स है। तो प्रिंसिपल्स ये होता है फ्रेंड्स कि हमेशा वर्चुअल वर्क डन जो होता है, वर्चुअल वर्क जो होता है उसका समेशन क्या होता है, उसकी मतलब समाफ मतलब ऑल मतलब वर्चुअल वर्क डन फोर्स वर्चुअल वर्क डन ऑन स्ट्रक्चर व्हेन द एप्लीकेशन ऑफ लोड इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो जो वर्कवर्क डन होगा सभी फोर्स का वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम देन वर्चुअल वर्क डन इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, देन वर्चुअल वर्चुअल वर्क डन इज इक्वल्स टू जीरो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ जानिएगा आप, ठीक है, इसी ध्यान रखिए। जो वर्चुअल वर्क डन होगा फ्रेंड्स तो हमेशा हम जीरो मान चलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और जब भी कोलैप्स की कंडीशन आ जाएगी, ये भी ये चीज़ ध्यान रखिए, जब भी कोलैप्स की कंडीशन आ जाएगी, कोलैप्स कंडीशन आ जाएगी तो जो
मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है वो तो अप्लीकेबल नहीं हम कर पाएंगे, मतलब यूज़ नहीं कर पाएंगे कोलैप्स स्टेट में। तो वहाँ पे जो जो कोलैप्स लोड निकलता है, ठीक है, जो कोलैप्स लोड हमें मिलता है, ठीक है, वो वर्चुअल वर्क मेथड से निकलता है, ठीक है। वर्चुअल वर्क जो डन हो तो उसी मेथड से हम निकालते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड ये उससे हम लोग फाइंड, मतलब अब है क्या वो वही सेम है कि डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है वो हमको इंटरनल के हम लोग बराबर करते हैं, वहीं से हम निकालते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक सिंपल सपोर्टेड बीम लेते हैं, देखिए ध्यान रखिए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं, एक केस जो स्टैंडर्ड केस है, अभी हम करेंगे जनरल केस, मतलब और सब केसेस, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड हम कर लेते हैं अभी, स्टैंडर्ड केस कर लेते हैं। ये क्या देखिए, क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली इसे पूछ जाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड केस, पहला केस सीधा आपका कि वेन द बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कोलैप्स लोड। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये देखिए याद रखिए, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। हम लोग को निकालना है एक्सटर्नल वर्क डन, कैसे निकालना है ध्यान रखिए, और ये इज इनेक्टेड विद द सेंट्रल लोड डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू, तो आप डब्ल्यू सी हम कर लेते, ठीक है, याद रखिए, ठीक है, डब्ल्यू सी ध्यान रखिए। तो यहाँ पे अब सीधा ये एल बाई टू पे एक्ट कर रहा है, एल बाई टू पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, एल बाई टू पे। तो इसका जो हम क्या बोले, पहला एजम्पशंस क्या आ रहा है, देखिए ध्यान रखिए, पहला एजम्पशंस यही आ रहा है कि हम लोग हाई डिफॉर्मेशन नहीं लेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है कि जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है ना उसको हम नेगलेक्ट करेंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो हो रहा है, जो कर्व बनता है उसको हम नेगलेक्ट करके हम लोग लीनियर बनाना है, मैकेनिज्म बनाना है, ठीक है, लीनियर और मैकेनिज्म। तो ऐसे बनेगा मैकेनिज्म, ऐसे बनेगा, ठीक है, यही बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये बन गया मैकेनिज्म, बिल्कुल पेशेंस रखिए। तो ये थीटा ऐसे सोल्व करेगा, थीटा ये ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे ऐसे देखिए, ये डेल्टा का डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि वो लोड एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ड्रा करेंगे तो ये भी सेम एंगल बनेगा, ये भी अगर थीटा अभी थीटा लेते हैं तो ये भी थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, बनेगा क्योंकि बिल्कुल क्या है सिमेट्रिकली है, एल बाई टू लग रहा है तो सेम एंगल हो जाएगा। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये दोनों जब हिंज हैं, देखिए यहाँ पे ये रोलर है, रोल सपोर्ट, यहाँ पे हिंज है, तो हिंज और रोलर पे को देखिए क्या बनता है, प्लास्टिक हिंज फॉर्म तो होगा ना, होता नहीं, हम बताएं आपको कि अंडर लोड फॉर्म होगा। कंडीशन जो जैसे कंसेप्ट मैं बताऊँ, जो भी कंसेप्ट है उसको आप रिकॉल करिएगा क्वेश्चन ड्यूरिंग सॉल्विंग क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल अच्छे से कर ले जाएंगे। तो यहाँ फाउंड होगा, मतलब फॉर्म होगा यहाँ पे प्लास्टिक हिंज, देखिए तो कैसे हम फॉर्म करते हैं। तो कंसेप्ट क्या है, सेकेंड सेम वर्चुअल वर्क मेथड वाला, कि जो टोटल वर्क डन जीरो होगा, ठीक है, टोटल वर्क डन जीरो होगा, तो W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम बताएं एक और जब नोट पॉइंट बताएं कि जो वर्क डन होगा अगर लोड की या डिस्प्लेसमेंट की अगर दोनों सेम है तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सिंपल सी बात है कि एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू इंटरनल तो होता ही, तो यही हम मानते हैं कि इंटरनल नेगेटिव ऑलरेडी। एक्सटर्नल कैसे निकालते हैं, लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो लोड कोलैप्स आ जाएगा इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब हाँ ठीक है, इंटू रोटेशन इंटू थीटा, तो देखिए रोटेशन मतलब सॉरी मोमेंट इंटू थीटा, तो मोमेंट ये प्लास्टिक मोमेंट यहाँ डेवलप करेगा। तो देखिए ये जब ऐसे ब्रेक करे तो यहाँ से ऐसे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका प्लास्टिक मोमेंट की डायरेक्शन, यहाँ पे भी एम पी होगा, यहाँ पे भी एम पी होगा, यानी इसके दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ, ठीक है। तो देख लीजिए एम पी मोमेंट इंटू ये रोटेशन, मोमेंट इंटू ये रोटेशन ले जाए, ठीक है, ये रोटेशन मोमेंट इंटू रोटेशन, फिर वो सेम है मोमेंट इंटू रोटेशन। तो यहाँ पे W इंटू डेल्टा क्या होगा, ये डेल्टा, देखिए डेल्टा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका बना लीजिए डायग्राम ऐसे हाफ का, ये डेल्टा, ये एल बाई टू, ये थीटा है, तो लगाएं यहाँ फॉर्मा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर पर बेस, तो डेल्टा अपन एल बाई टू हो जाएगा। और ये बिल्कुल हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत माइन्यूट एंगल था, तो यहाँ पर जाएगा डेल्टा इक्वल टू एल बाई टू इंटू थीटा, ये लगा, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे रख लेंगे एल बाई टू इंटू थीटा इक्वल्स टू टू एम पी थीटा, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यू सी इक्वल टू हो जाएगा फोर एम पी बाई एल, सॉरी
फोर एम पी बाई एल ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स ये हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हम फाइंड कर रहे हैं। एक्सटर्नल मोमेंट को हम बराबर कर रहे हैं इंटरनल मोमेंट से, और जो डेल्टा है डेल्टा के लिए हम यहाँ से बता दें आपको कैसे निकालें, यहाँ से निकालेंगे आप। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ध्यान रखिए यहाँ पे हम लोड थोड़ा लगाएंगे अनसिमेट्रिकल, ठीक है। ये जो ट्रांसवर्स लोडिंग है इसको हम करेंगे अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे कोलैप्स लोड आएगा, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। टोटल लेंथ क्या हो जाएगा आपका, एल इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो इसका क्या होगा बताइए, इसका जो डिफॉर्मेशन होगा लीनियर आप मानेंगे, क्योंकि लीनियर अजम्पशन में लिए हैं, लीनियर अजम्पशन यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो दिस इज ये आपका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज थीटा, ठीक है फ्रेंड्स ये हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ये ड्रा करेंगे तो ये भी सेम, ये भी थीटा हो जाएगा और ये क्या होगा अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ डेल्टा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल्टा क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा इक्वल टू ए अल्फा या फिर बी थीटा, दोनों बराबर ही होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा इक्वल दोनों में सेम है, ठीक है यहाँ देख लीजिए। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है कि एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटरनल वर्क डन, ये कंसेप्ट है ध्यान रखिए, ये कंसेप्ट है। तो एक्सटर्नल क्या होगा लोड मतलब कोलैप्स लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंटरनल क्या होगा रोटेशन मोमेंट इंटू रोटेशन, रोटेशन होता है। तो ये जब ऐसे नीचे ये आपका रोटेशन ऐसे होगा तो ये आपका ये हो जाएगा, ये मोमेंट की वैल्यू एम पी, दिस इज एम पी, दिस इज एम पी, ओके फ्रेंड दिस इज एम पी, चलिए तो एम पी इंटू अल्फा प्लस एम पी इंटू थीटा हो जाएगा, देखिए एम पी इंटू अल्फा और एम पी इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो डब्ल्यू सी इंटू डेल्टा रख लीजिए, आप कोई रख लीजिए ए अल्फा रख लेते हैं, ए अल्फा इज इक्वल्स टू एम पी इंटू अल्फा और प्लस थीटा को अल्फा का टर्म रख लेंगे, तो एम पी इंटू थीटा को अल्फा का टर्म में क्या हो जाएगा थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से ए अल्फा बाई बी, तो ए अल्फा बाई बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए अल्फा अल्फा गेट कैंसल एंड डब्ल्यू सी ए इक्वल्स टू एम पी और ए प्लस बी बाई बी हो जाएगा। तो डब्ल्यू सी क्या हो जाएगा बताइए एम पी, ए प्लस बी क्या है एल है अपान ए बी हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा ठीक। या फिर एक ऐसे कर लेंगे जब हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्टली जाते हैं मानते हैं एम बराबर क्या होता है एम बराबर डब्ल्यू ए बी अपान एल होता है ना, ये होता है ना। अब इसी एम को एम पी कर दीजिए, एम को एम पी कर दीजिए और इसको डब्ल्यू को डब्ल्यू सी कर दीजिए, क्योंकि मोमेंट प्लास्टिक मोमेंट तभी होता है जब कोलैप्स लोड फॉर्म होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए कंसेप्ट क्या है इसके बीच में। एक क्वेश्चन करते हैं कैंटिलर बीम का, ठीक है कैंटिलर बीम ये क्वेश्चन है, देख लीजिए आता है एग्जाम में सब डायरेक्टली पूछते हैं एग्जाम में, यहाँ पर लोड लगा देंगे और बोलेंगे कैंटिलीवर बीम के लिए कोलैप्स लोड क्या होगा। सिंपल बात है कि डिफ्लेक्शन कैसे होंगे, ठीक है बताइए डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होंगे, ऐसे होगा डिफ्लेक्शन कुछ, ठीक है यहाँ पे रोटेशन फॉर्म होगा, रोटेशन क्योंकि हिंज है, अरे सॉरी ये फिक्स है, सॉरी 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 दिस इज फिक्स, दिस इज कैंटिलीवर केस है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म होगा ये हिंज यहाँ फॉर्म होगा, प्लास्टिक हिंज यहाँ फॉर्म होगा, तो मोमेंट भी आएंगे जब इसका जब डिफॉर्मेशन ऐसे कुछ होगा, ऐसे ऐसे डिफॉर्मेशन होगा तो रोटेशन कैसे होंगे बताइए, अरे मतलब मोमेंट कैसे होगा, ऐसे होगा मोमेंट, ऐसे होगा, ऐसे होगा मोमेंट, ऐसे होगा, ठीक है दिस इज एम पी एंड दिस इज ये, तो आपका ये हो रहा है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डेल्टा, तो डेल्टा जब डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज अंडर द लोड, ठीक है इट इज़ अंडर लोड ये हो जाएगा। तो एक्सटर्नल मोमेंट इज इक्वल्स टू इंटरनल मोमेंट ये होगा, ये मेन होता है, चलिए तो यहाँ पर लिख लीजिए एक्सटर्नल मोमेंट क्या होगा डब्ल्यू इंटू एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा डब्ल्यू इंटू कोलैप्स लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा आपका रोटेशन टू थीटा, अरे सॉरी मोमेंट इंटू थीटा, मोमेंट क्या होगा प्लास्टिक मोमेंट इंटू आपका थीटा, ये थीटा आ जाएगा ठीक है। ये पूरी पूरे बीम की लेंथ क्या होगा एल एम मान लेते एल है, तो बताइए क्या होगा डब्ल्यू सी इंटू डेल्टा क्या होगा सेम डेल्टा, ये डेल्टा क्या होगा एल इंटू थीटा यानी लेंथ इंटू रोटेशन थीटा, एम पी वही रहेगा इंटू थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा बताइए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दिस इज गेट कैंसल ठीक है एंड डब्ल्यू सी हो जाएगा एम पी बाई एल ठीक है एम पी बाई एल, और ध्यान रखिएगा एम पी बाई एल हमको मिला है ठीक है एम पी बाई एल मिला है ओके। तो ये होता है आपका
आंसर, ठीक है। ऐसे आपका क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ध्यान रखिए ऐसे ही फॉर्म्ड होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका फॉर्म होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, ये आपका मिला हमको आंसर, तो ये हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, अब ऐसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है। अगर ये लोड को यहाँ पर कर दें, अक्सर क्वेश्चन दें जो बीम है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, प्रॉप सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है, प्रॉप सपोर्ट, यहाँ पे लोड लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लोड लग रहा है, ये डब्ल्यू, ये एल बाई टू और ये एल बाई टू, यहाँ पे डब्ल्यू सी कोलैप्स लोड लग रहा है, ठीक है। ध्यान रखिए, तो इसका जो इलास्टिक जो कर्व होगा, मतलब जो लीनियर जो डिफॉर्मेशन होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। और पहला केस आपको क्या, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो पहला केस आपको देखना कि प्लास्टिक हिंज कहाँ फॉर्म होगा। एक प्लास्टिक हिंज यहाँ फॉर्म होगा, एक प्लास्टिक हिंज यहाँ फॉर्म होगा, दो जगह प्लास्टिक फॉर्म होगा, यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिंज है, हिंज पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, सीधा नहीं होगा। तो पहला ये देखना आपको कि प्लास्टिक हिंज का लोकेशन कहाँ कहाँ है, यानी कितने कितने प्लास्टिक मोमेंट आएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, तो इसका ऐसे होगा, सॉरी ऐसे हो जाएगा, ये डेल्टा होगा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक, ये भी थीटा होगा। यहाँ पे इसको ऐसे ड्रा कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए रोटेशन ऐसे होंगे, इसके रोटेशन यहाँ पे ऐसे होगा रोटेशन, तो मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा बताइए, ऐसे होगा मोमेंट का डायरेक्शन, ऐसे होगा मोमेंट का डायरेक्शन, ऐसे होगा, ठीक है। देखिए तो इसका क्या स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है इसका, कि एफ डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटरनल, ये हो जाएगा। तो ये लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू मोमेंट टू रोटेशन, एक मोमेंट यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे, यानी एक यहाँ पे होता है, ये मोमेंट एक यहाँ पे आ जाएगा, एक आपका मोमेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे हो जाएगा एम पी इंटू थीटा प्लस एम पी थीटा प्लस एम पी थीटा, तीन हो जाएंगे। देखिए कि ये थीटा, ये भी थीटा बनेगा, एम पी इंटू थीटा, एम पी इंटू थीटा आपका एम पी इंटू थीटा, यहाँ पर डब्ल्यू। अब डेल्टा के लिए क्या हो गया, डेल्टा बताएं आपको, ये ऐसे इसको ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ये ले, ये एल बाई टू है, ये आपका डेल्टा, ये थीटा है, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, एल बाई टू इंटू थीटा होगा, जो हम बताएं आपको कैसे निकालेंगे, तो डब्ल्यू सी इंटू एल बाई टू इंटू थीटा इज इक्वल टू थ्री एम पी, एम पी थीटा, थीटा गेट कैंसिल एंड डब्ल्यू सी इज इक्वल टू सिक्स एम पी बाई एल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो आपको इस चीज़ को मेमोराइज कर लीजिए, एकदम बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई हैव बने रही आप चैनल पर, मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन लाऊंगा और कराऊंगा, ठीक है, बाय फ्रेंड्स।